तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो भाई आज है संडे और मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा 7:30 और हम पकड़ने वाले ऑटो। क्यों? क्योंकि हम पहुँचने वाले ओल्ड दिल्ली। तो भाई मैं निकल पड़ा था खाटू श्याम। तो भाई मैं खाटू श्याम निकल चुका था आरे के सहारे के पास। अचानक ही मन करा और बाबा का बुलावा आ गया। तो मेरी अभी 9:55 की ट्रेन है, तो मुझे ओल्ड दिल्ली पहुँचना होगा अभी। तो भाई हम ऑटो करते हैं और यहाँ से ओल्ड दिल्ली पहुँचते हैं, यानी कि पुरानी दिल्ली पहुँचते हैं, और वहाँ से हमें ट्रेन मिल जाएगी। 9:55 पे ट्रेन निकल जाती है। तो मिलते हैं ऑटो में हारे के सहारे के साथ। तो भाई समय ऑटो मिल चुका है, यहाँ से 150 रुपये का आपको ऑटो मिल जाएगा। और यहाँ से जल्दी से ऑटो पकड़ के पहुँच जाते हैं हम पुरानी दिल्ली। तो अभी हम पुरानी दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ अपना टिकट विकट लेते हैं, क्योंकि टिकट का प्राइस मैं बता दूँ आपको कितना होगा। जय श्री श्याम। अंकल बता दो मेरे को एक बार, आपको ओल्ड दिल्ली। भाई ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें लेना टिकट ऑफलाइन वाला, उसके बाद हम निकलेंगे ट्रेन की ओर। चलते हैं, पहले टिकट विकेट लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर पर। जय श्री श्याम। हारे के सहारे थोड़ा साथ दे दे। तो भाई फाइनली धक्का मुक्की खाने के बाद हमें टिकट मिल चुका है, जो कि हमारे टिकट का प्राइस है ओनली 90 रुपये, जो हमें उतारेगी रिंगस। और अभी हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर की ओर। जल्दी जल्दी हमें मिल चुका है टाइम से पहले टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब थोड़ा प्लेटफॉर्म नंबर की ओर चलते हैं। ये हमारी टिकट का प्राइस होता है, जो कि एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ की तुम्हारे को, कभी ऐसे जाल में मत फंसना। तो अभी यहाँ से पहले निकल जाऊँ अपने प्लेटफॉर्म नंबर की ओर और उसके बाद चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हमारे बाबा तक जाने वाली ट्रेन वेट कर रही है सामने एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ हमेशा याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आपको खाटू श्याम की ट्रेन खड़ी मिलेगी 8:55 से पहले। उसके बाद ये निकल जाती है 8:55 पे निकल जाती है। उससे पहले आ जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहाँ आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो जय श्री श्याम। हम थोड़ी जगह वगैरह देखते हैं, है नहीं है, वरना तो खड़े होके जाना पड़ेगा, कोई नहीं चलता है इतने को। गाइस हमारी 3:10 की ट्रेन चल चुकी है ओल्ड दिल्ली से, करेक्ट 8:55 पर, और अभी 8:57 हो गया। शक्ल देख सकते हो कैसी हो गई ट्रेन में। और हमारी ट्रेन रेवाड़ी रुक चुकी है रिंगस जंक्शन। भाई यहाँ से चलेगी लगभग 1 से 1 बजे के करीब हमारे को रिंगस छोड़ेगी। तो अभी चल रहे हैं, अभी सफ़र जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। एक तिरंगा भी ले लिया मैंने 50 रुपये का। व्यू देख लो भाई यहाँ का,
देखते हुए चले। अभी हम रिंगस पहुंच चुके हैं गाइस। जय श्री श्याम। ये तिरंगा अभी तक नहीं छुटा। तो भाई तुम पब्लिक देख ही सकते हो रिंगस में कितनी गंदी वाली है। टाइम भी देख लो, ये ट्रेन दिल्ली के लिए बन के चलती है यहाँ से। तो भाई चल रहे हैं मंदिर के लिए। रिंगस हमारी एंट्री हो चुकी है और गई दिल्ली के लिए ट्रेन। तो हम अपने बाबा की नगरी में पहुंच ही चुके हैं। देख लो, हमने लॉकर भी ले लिया था। तुमको अगर एक दिन के लिए पर डे के लिए आना हो तो 50 रुपये का लॉकर मिल जाएगा और 50 रुपये का पर बंदा नहाने के लिए हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही करा है, हमने अंकल को 150 दिए और ना भी लिए। मतलब एक भाई मेरे साथ आ गए थे, ट्रेन में मिल गए थे तो हमारी दोस्ती हो गई। तो ये रहे हो भाई, कैसे हो ब्रो? तो भाई हमारे को ट्रेन में मिल गए थे, हमारी दोस्ती वहीं से हो गई और हम बाबा की नगरी में पहुंच ही चुके हैं। बाकी अब अंदर चलते हैं, एंट्री गेट पे तो मैं ही। तो जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश। बाबा के दर्शन करने और कुछ नहीं, बस दर्शन हो जाए अच्छे से बाबा के। चलो भाई, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। तो हमने बाबा की नगरी में कदम रखी दिया है, बस अब बाबा से मिलने की बहुत ज़्यादा तलब है। तो बस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाएंगे और पैर भी जल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रहता है यहाँ पे, पैर जल रहे हैं हमारे क्योंकि हम नंगे पैर हैं। दे रहा हूँ भाई श्री शाम की नगरी में। ब्लर आ रहा था तो भाई मेरे हमारा श्री शाम मंदिर अभी तक आया नहीं। लाल तो हम चल ही रहे अभी, चलते रहो। जय श्री श्याम। खाटू नरेश के बिल्कुल बहुत नज़दीक है, तो भाई हमारी एंट्री होने वाली है, बस थोड़ा सा रह गया है। इस भीड़ के बाद अपनी एंट्री पक्का। तो शाम के आ रहे के हमारे दर्शन होने वाले हैं, बस कुछ दूर हो और अपने शाम के आ रहे। मैं अंदर का कुछ भी नहीं लूंगा, मंदिर से बाहर जा दर्शन करने के बाद जो भी होगा वो, बट सामने से कुछ भी नहीं लूंगा, दर्शन करूंगा पहले। इसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं सामने से बाबा की फोटोज ले पाऊँगा या नहीं, बाबा का वो ले पाऊँगा या नहीं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी हमारे मंदिर के दर्शन हो चुके थे,
बट मैंने मंदिर की इतनी वीडियो ली नहीं क्योंकि दर्शन करने में प्रॉब्लम होती है, बंदा वीडियो बनाए या दर्शन करे, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की ज़्यादा वहाँ की। तो भाई हमारे दर्शन हो चुके थे और अब हमने प्रसाद वगैरह ले लिया और खाटू बाबा की हमने तस्वीरें ली 3-4 घर के लिए। बाकी अब अपना बैग वैग लेके अपने शूज वगैरह पहन के और यहाँ से अभी निकलने की तैयारी। देखो तो मॉल कितना अच्छा हुआ है, ढोल वोल सब बज रहे हैं, तो बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी, अपना बैग लेके आते हैं, उसके बाद शूज वगैरह पहनते हैं और यहाँ से फिर अपनी रिंगस की ओर निकलते हैं। हमारे बाबा के बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे, मतलब भीड़ भी इतनी नहीं थी और इतने प्यार से दर्शन हुए ना कि जैसे मानो कि बस आराम से दर्शन किए बस जैन में। तो जय श्री श्याम हारे के सहारे की। तो ये भाई भी हैं, देख लो भाई हमारे साथ, भाई ना मेरे साथ दिल्ली से आ रहे हैं और अभी तक मेरे साथ ही है और जाएंगे भी शायद मेरे साथ ही, और जाएंगे भी मेरे साथ ही। भाई भाई अलीगढ़ रहते हैं, साथ साथ रहे हम, साथ में मैं भी अकेला था, ये भी अकेले थे, मिल गए ट्रेन में तो हम साथ हो गए। हाँ यही है भाई, भाई हमारी यात्रा सफल हुई, बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और बस अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से पकड़ेंगे 50 रुपये की टैक्सी, वो वापस हमें रिंगस छोड़ेगी, वहाँ से कोई ट्रेन देखते हैं, अभी जा रही होगी तो ठीक है वरना हमें वेट करना पड़ेगा और फिर हम उस ट्रेन में बैठ के दिल्ली। देख लो भाई हमने राधे जी का टीका लगवा लिया, बढ़िया हो गई बातचीत। चले भाई चलो आयो भाई, रिंगस से ट्रेन होगी और कहाँ से होगी कन्फर्म है। तो दोस्तों मैं 2-3 दिन पहले अभी खाटू श्याम गया था, तो मैंने उसमें बताया भी है कि टिकट प्राइस वगैरह का क्या क्या मैटर होता है, टैक्सी जो होती है 50 रुपये पर पर्सन की होती है। तो जैसा कि हम गाइस पुरानी दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पे हम टिकट लेते हैं, जो कि प्राइस होता है ओनली 90 रुपये हमारा दिल्ली से रिंगस का, ओल्ड दिल्ली से रिंगस का। तो गाइस वहां आपसे आप जाओगे ना, नए नए जाओगे तो आपको देख के वहां बुलाएंगे, काट लेंगे आपको, आपसे 500 रुपये ले लेंगे और वही टिकट ला के देंगे आपको जर्नल का, और 500 रुपये आपसे ले लिए जाएंगे वहां पे। आपको ऐसे पागल बना के टिकट ले लेते हैं लोगों से पैसे छीन, मतलब पैसे हड़पने के लिए, वो अपना फायदा देखने के लिए लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं, जर्नल में भेज देते हैं, धक्का मुक्की में बेचारे को, और सीट मिले ना मिले। तो गाइस इस चीज से हमेशा तेज रहना, किसी को भी कोई भी बंदा बुलाता है कि मैं आपको टिकट ला के दूंगा आप यहीं खड़े रहो, या जो साइडों में बैठे रहते हैं ना गिरीलों के, वहां पे फर्जी जो लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं वो सारे फर्जी होते हैं, कोई भी टिकट एक भी ढंग की नहीं देता, सारे टिकट टिकट घर के पास से खरीद के ला के आपको देंगे, जो कि 90 रुपये की टिकट का आपका प्राइस होता है वो आपको 500 रुपये ले लेंगे, और उस 500 रुपये की टिकट में 90 रुपये की टिकट आपको देंगे। तो किसी की बातों में ना आके ऐसा करना चाहिए, अपनी टिकट खुद लेना और किसी की बातों में ना आना। और जैसा कि बाबा की दुआ से हमारा बहुत अच्छा सफर रहा, अधिकतर मैंने मंदिर की कुछ वीडियोस ना ले पाया क्योंकि मेरे दर्शन अच्छे से हो नहीं पाते अगर मैं मंदिर का ब्लॉग शूट करता तो, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, ऐसे ही नॉर्मली वीडियो बना दिए। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, जाओ खाटू श्याम बाबा की नगरी में तो हारे के सहारे की जय हो, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फाइनली हमारा व्लॉग खत्म हो चुका है, ज्यादा व्लॉग हमने लिया नहीं आने का क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।